नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप सब देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्यूनिटी को समझाने की कोशिश की थी, ये भी बताया था इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के बीच क्या रिलेशन है। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग, वो कौन से सिम्टम्स हैं जो वीक इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हम अपनी, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट मेरे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि हमारी बॉडी का किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म से प्रतिरोध करने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या पैथोजेंस जिनको हम बोलते हैं, वो उनसे फाइट करती है और हमें बीमार होने से बचाती है। मजबूत इम्यूनिटी हो तो सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन हमसे कोसों दूर रहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी के चलते लिवर, लंग्स एंड किडनी के इन्फेक्शन से भी हम खुद को सेफ रख सकते हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के टाइम शुरू से ही कहा जा रहा है जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। अब हम ये जानते हैं इम्यूनिटी बनती कैसे है, हमारी बॉडी में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो हैं वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लिन, बोन मैरो एंड थाइमस। ये मिलके इम्यून सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ही हम इजीली फाइट कर सकते हैं किसी भी डिजीज से। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या वीक, ये हम कैसे पता करें। अब सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे करें कि हमारी इम्यूनिटी सच में वीक है। हमारी बॉडी हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स या ऐसे हिंट्स देती है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो या दूसरों के कंपैरिजन में आप जल्दी बीमार हो जाते हो तो ये एक वीक इम्यूनिटी की तरफ इंडिकेशन हो सकता है। सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है या फिर आपको स्किन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, रैशेस हो जाते हैं, हर समय थका थका महसूस होता है, नींद अच्छी नहीं आती है, ये भी वीक इम्यूनिटी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ भी खा लिया उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो जाता है, कोई घाव जल्दी नहीं भरना, ये भी वीक इम्यून रिस्पॉन्स है। डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मुँह में छाले बार बार आते हैं, ये भी वीक इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ इंडिकेट करता है। अक्सर देखा जाता है जिन लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है उनका इम्यून रिस्पॉन्स काफी वीक होता है। जैसे वीक इम्यूनिटी हमें कुछ इंडिकेशंस देती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, वैसे ही स्ट्रांग इम्यूनिटी के भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं या इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जैसे अगर हमारी इम्यूनिटी सच में स्ट्रांग है तो कई बार कुछ ऐसे इन्फेक्शन्स होते हैं जो बिना मेडिसिन के भी हम अपने आप ही इम्यूनिटी के बेसिस पे लड़के फाइट करके रिकवर हो जाते हैं। सर्दी जुकाम का ज़्यादा असर नहीं होता, कोई घाव है तो वो जल्दी भर जाता है, वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स से लड़के हमारा इम्यून सिस्टम हमें हेल्दी रखता है। तो स्ट्रांग इम्यूनिटी का फ़ायदा सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो हमें वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, बल्कि तमाम तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट भी हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। वीक इम्यूनिटी या वीक इम्यून सिस्टम के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेन है वो है खराब खानपान एंड पुअर लाइफस्टाइल, नींद कम लेना एंड ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना, चाय, कॉफ़ी एंड कैफीन का इंटेक ज़्यादा एंड बॉडी को लेस हाइड्रेटेड रखना, मीन्स पानी कम पीना, बाहर का और फास्ट फूड ज़्यादा खाना, और जो इसमें ऐड ऑन करता है वो है अल्कोहल एंड सिगरेट। अपने लाइफस्टाइल में और इन चीज़ों में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। शरीर के सभी ऑर्गन्स पे पड़ने वाला प्रभाव हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग या वीक करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि हर एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। सिगरेट, अल्कोहल एंड स्ट्रेस से खुद को दूर रखना होगा।
एक अच्छी और प्रॉपर नींद लेनी होगी। सिगरेट, अल्कोहल एंड स्ट्रेस से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से हम फिट तो रहते ही हैं, साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बैलेंस डाइट हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अगर हम मोर प्रोटीन एंड लेस फैट डाइट लेंगे तो हमारा शरीर बाहरी वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट से लड़ने में सक्षम हो जाता है। संतरा और नींबू हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ये विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स हैं। ये न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ ही साथ हमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। विटामिन डी भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें कई रोगों से बचाने में हेल्प करता है, साथ ही हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बूस्ट होने वाली है। हमें ये सारी चीज़ें रेगुलरली फॉलो करनी है। रेगुलरली एक बैलेंस्ड डाइट लेना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें, सो दैट ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। मिलूंगी आपसे विथ येट अनदर वीडियो ऑन एनी रेलिवेंट हेल्थ इशू, यही आपके अपने चैनल क्यूरोपैथ पे। जब तक के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।